लेकिन आपको नहीं? अच्छा मैं एक बिल्कुल हटके सवाल पूछ रहा हूं, उसका ताल्लुक पॉलिसी से नहीं है। क्या अलामा खादिम रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो अपना अंदाजे बयां शोला बयानी है उसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा आगे भी या वो रुक जाएगा? किबला वो अल्फाज जो है ना वो मुझे बताएंगे ना, अहले ईमान, अहले इलम, अहले इस्लाम, शुयूख हदीस, सूफिया, मजजूब, वो मुझे बताएंगे कि ये शरीयत इस्लामिया में जायज़ नहीं है, तो मौली खादिम जो है वो अल्फाज छोड़ देगा। अब ये तो नहीं ना जिसको कुल वल्ला ना आती हो वो मुझे दीन सिखाएगा, ये तो बात नहीं ना होगी। नहीं, वो लोग ये कहते हैं ना कि मिंबर रसूल के कुछ आदाब होते हैं। जलाली साहब जो है, अशरफ जलाली साहब, वो भी एग्री कर चुके हैं इस बात से कि मिंबर रसूल के कुछ आदाब होते हैं, उस पर बैठ के शायद ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता। जी, तो मैंने 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 कब कहे हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, रसूलुल्लाह का सारा दीन जो है, हुजूर ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊँट की तरह है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में हो, तो मोमिन तो है वो पाबंद है शरीयत इस्लामिया का, मोमिन की अपनी राय है ही नहीं है। अगर शरीयत इस्लामिया जो है वो मुझे पाबंद करेगी तो मैं तो पाबंद हूँ, पहले भी उसी का पाबंद हूँ। लोग ये समझते हैं कि मैं सख्त बातें करता हूँ, मैंने बहुत सारी बातें छुपाई हुई हैं, अगर कोई मौका मिला तो मैं वो सारी बयान कर दूंगा टीवी पर किसी पर। आप सर, यही मौका है अलामा साहब, मेरा ख्याल है यही मौका है। तमाम लोग, मैं मसला नामूस रिसालत का बयान करता हूँ, आप मैं मसला नामूस आप मुझे मसला मैं मसला नामूस रिसालत बयान करता हूँ, आप उसमें जाते हैं जी वो क्या नाम है, कद्दू बाजार में कैसे बिक रहे थे, भाई मैं बात और करता हूँ, आप मुझे और तरफ खींच कर ले जाते हैं। सर, वो मैंने इसलिए किया, वो मैंने इसलिए किया कि आप अलावा साहब एक सियासी जमात के तौर पर सामने आ रहे हैं, अब मैं आपसे मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के हालात के बारे भी पूछने का बतौर आवाम हक मेरी सियासत जो है ना वो मेरी किबला, बात यह है कि मेरी सियासत इस्लाम के ताबे है, मेरी सियासत जो है वो मादर पिदर आजाद नहीं है। हाँ, सियासत में जो लोग कहते हैं ना सब कुछ होता है, मैं कहता हूँ ये गलत है।